तिरुपति के दरबार में मत्था टेकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन, पूजा अर्चना। दूसरी पारी की शुरुआत पीएम ने दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों पर आशीर्वाद लेने से की है। केरल के बाद दूसरे दिन वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, जो भारत में आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। तिरुपति बालाजी में पीएम मोदी की आस्था ऐसी है कि वो अपने पहले कार्यकाल में दो बार तिरुपति जा चुके हैं और नई पारी में वो सबसे पहले जिन मंदिरों में गए उनमें तिरुपति का दरबार प्रमुख है। महाविजय के बाद इस आस्था और आशीर्वाद के बीच ये तस्वीरें भी दिलचस्प हैं और बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही हैं, जिनमें पीएम मोदी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी लगातार दिख रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने अभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू का सफाया किया है, जो कुछ साल पहले तक पीएम मोदी के सबसे प्रमुख साथी थे। लेकिन अब आंध्र प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। इन दिलचस्प तस्वीरों के बीच संदेश पीएम मोदी और सीएम जगन रेड्डी के साथ साथ चलने का है, जिसके बारे में रेड्डी सीएम बनने के तुरंत बाद से बताते रहे हैं। आज जब पीएम श्रीलंका के दौरे से सीधे आंध्र प्रदेश पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए जगन मोहन रेड्डी मौजूद थे। उन्होंने पैर छूकर पीएम से आशीर्वाद लिया। रेड्डी के सीएम बनने के बाद ये पीएम का पहला आंध्र प्रदेश दौरा था। आंध्र प्रदेश में उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सबके साथ की बात दोहराई। यहां पर हमें सफलता मिली या न मिली, यह हमारा मानदंड न पहले था न आज है। हमारा तो एक ही मानदंड है कि हम जनता जनार्दन की ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे कर पाएं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। जब हम म्युनिसिपालिटी में भी चुनाव जीत नहीं पाते थे, तब भी भारत माता की जय इस नारे को बुलंद करते हुए चार चार पीढ़ी हमने खपा दी है और तब जाकर के आज देश की सेवा करने के लिए हमें एक और नया अवसर मिला है। मोदी ने यही बात केरल में की थी, जब वो पदभार संभालने के बाद पहली बार किसी राज्य के दौरे पर गए थे। पारंपरिक परिधान में पीएम मोदी ने गुरुवायूर के श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन किए थे, पूजा अर्चना की थी और आशीर्वाद लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भले ही उनकी पार्टी को केरल में कोई सीट ना मिली हो, लेकिन केरल भी उनके लिए काशी जैसा ही है। जो हमें जिताते हैं वो भी हमारे हैं, जो इस बार हमें जिताने में चूक गए हैं वे भी हमारे हैं। केरल भी मेरा उतना ही है जितना मेरा बनारस है। पीएम के इन दो दौरों को उनके मिशन दक्षिण की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि दक्षिण में केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पीएम मोदी का वो जादू नहीं चला जो जादू बाकी राज्यों में सिर चढ़कर बोला, जिसमें पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार महाविजय के साथ पीएम मोदी ने धमाकेदार वापसी की। इत्तेफाक ये भी था कि जिस वक्त पीएम केरल में थे, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने नए संसदीय क्षेत्र वायनाड में थे। आई नो दैट द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट ट्रीट केरला द सेम वे ही ट्रीट्स उत्तर प्रदेश। ही कैन कम हियर एंड ही कैन से व्हाटएवर ही वांट्स दैट केरला इज वाराणसी, बट आई नो बिकॉज द सीपीएम इज रूलिंग और वेयर एवर द कांग्रेस इज रूलिंग, द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट ट्रीट दिस एज अ नॉर्मल स्टेट ऑफ द कंट्री। राहुल गांधी भी अपने मिशन दक्षिण पर है, जहां उन्होंने वायनाड और कोझिकोड में करीब 10 रोड शो किए। राहुल गांधी ने आज इस बात को लेकर पीएम पर निशाना साधा, जिसमें पीएम ने केरल को भी काशी जैसा प्रिय बताया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उन राज्यों के साथ सौतेला बर्ताव करती है जहां पर बीजेपी की सत्ता नहीं है। इसे राहुल गांधी ने नफरत और गुस्से की राजनीति बताई, जिसकी बात वो हार के पहले भी करते रहे हैं और हार के बाद भी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।